पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, फज़रहुम यखूदू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून। बस आप इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दीजिए यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है। अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में जो बात साबित कर दी है, यानी कयामत कायम होगी, अल्लाह ताला ने कहा कयामत कायम होगी। जब ये बात साबित हो गई कि कयामत आने वाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा लोगों को ज़िंदा करेगा, कब्रों से उठाएगा, इस बात की जब वजाहत और सराहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनको काफिरों को छोड़ दीजिए। जब ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अपने कुफ्र पर मुसिर है, अपनी तकजीब पर मुसिर है, तो अब इनको छोड़ दीजिए इनके हालों पर। अल्लाह ताला ने कहा इनको इनकी फजूल बातों में, लायानी बहसों में फंसे रहने दीजिए, इनको अपनी दुनिया में मगन रहने दीजिए, आप अपना तबलीग का काम जारी रखिए। इनके इस रवैये से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको आखिरत में इसका बदला देगा। आप अपना दिल मत बदलिए इन लोगों की वजह से, इनके फासिद अकायद पर इनको छोड़ दीजिए। जब कल कयामत का दिन आएगा, जिस दिन का इनसे वादा किया जा रहा था, तो हर एक से हिसाब ले लिया जाएगा। मुझे और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजार लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि एक दिन वो भी होगा जिस दिन अपने रब के सामने हाजिर होना होगा और हर हर अमल का उसको हिसाब देना होगा। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में हम लोग बात कर रहे हैं हर महीने में तीन रोज़ा रखने के ताल्लुक से। मैंने पिछले दरसों में आपके सामने ये बात रखी थी कि एक इंसान रोज़ा रखना चाहे तो महीने में कभी भी रख सकता है, इब्तिदा में, दरमियान में या आखिर में। और ये बात चल रही है कमरी महीने के ताल्लुक से, यानी अरबी महीनों के ताल्लुक से। लेकिन उनमें तीन दिन, 13, 14, 15, यानी चांद की 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखना ये अफजल और बेहतर है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा ज़र, हज़रत अबू ज़र से अल्लाह के नबी ने कहा, ए अबू ज़र, इज़ा सुमता मिन अश्शहरि सलासता अय्याम, कि जब तू महीने में तीन रोज़े रखे, फसुम सलासता अशरता व अरबा अशरता व खमसा अशरा। हज़रत अबू ज़र से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तू महीने में तीन रोज़े रखना, तो 13वीं तारीख को रख, 14वीं तारीख को और 15वीं तारीख को, यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया। हज़रत अबू ज़र को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की नसीहत की। अहले इल्म कहते हैं कि यह अफ़ज़ल है, बेहतर है। आगे भी इंशाअल्लाह इससे मुतालिक एक हदीस मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी जो है साल भर रोज़े रखने का यानी अजर का जिक्र किया है उसमें भी। लिहाजा इंसान पूरे महीने में कभी भी रख सकता है, लेकिन 13, 14, 15 को रखना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अमल की फ़दीलत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत जाबिर कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैय व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहसनुकुम अख़लाक़ा। प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक और मेरा महबूब, यानी कल क़यामत के दिन तुम में मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक और मेरा सबसे महबूब वो शख्स होगा जो तुम में अखलाक में सबसे बेहतर हो, यानी जिसका अखलाक जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो प्यारे नबी के उतना ज़्यादा करीब होगा, वो अल्लाह के नबी के उतना करीब बैठेगा वो शख्स जो अखलाक में जितना ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं और आप क्या चाहते हैं? क्या हम अल्लाह के नबी के करीब बैठना चाहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हैं? तो ऐसी सूरत में अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए। जब किसी से बात कीजिए तो नरम गुफ्तगू से कीजिए, जब किसी के साथ कोई मामला कीजिए तो अच्छे से मामला कीजिए। ऐसा ना हो कि आप चढ़े रहें, आप टेढ़े रहें। इंसान का अखलाक उसके हालात को बयान करता है, उसकी तरबियत को बयान करता है। मुझे और आपको चाहिए कि जब हम किसी से मुलाकात करें तो अच्छे अखलाक में, अच्छे अंदाज में मुलाकात करें, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था। हमें भी चाहिए कि हम इस तरीके को, इस रास्ते को इख्तियार करें। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारा चैनल iPlus TV पाँच मिनट का मदरसा है, उसको ज़रूर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भाई बहन भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।